नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय स्टैंडर्ड फर्स्ट के लिए एडमिशन प्रोसेस कैसी होती है और हम हमारे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में कैसे एडमिट कर सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पेरेंट के साथ शेयर कीजिए। चलो तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये है केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट kvonlineadmission.kvs.gov.in। तो उन्होंने इस वेबसाइट पे तीन नोटिफिकेशन दिए हैं कि ये वेबसाइट 2022-23 के साल में कक्षा फर्स्ट के लिए प्रवेश के लिए बनाई गई है और इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट था 13 अप्रैल शाम 7 बजे तक। तो उसके बाद ये उसका रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है और उसका लॉटरी का डेट था 18 अप्रैल, बट अगले आदेश तक ये रोक दिया गया है। जल्द ही उसका कुछ सर्कुलर आएगा और लॉटरी के बारे में हमें पता चलेगा। तो चलो देखते हैं केंद्रीय विद्यालय का। मैंने मेरे बच्ची का एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है। तो मैंने अहमदनगर में 3 KV स्कूल्स है, तो तीनों में भी अप्लाई किया है और यहाँ पे लॉटरी का कुछ डिटेल नहीं दिया है क्योंकि अभी ये अगले सर्कुलर तक अभी होल्ड पे है। चलो तो देखते हैं केंद्रीय विद्यालय का वेबसाइट तो कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने केंद्रीय विद्यालय का फी स्ट्रक्चर ओपन किया है। तो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में प्राइवेट स्कूल के मुकाबले बहुत ही कम फी है। फी तो कुछ भी नहीं है, एडमिशन फी है 25 रुपीज, री एडमिशन 100 रुपीज, ट्यूशन फी वो डिपेंड होगा हमारे कैटेगरी पे और केवी पे। देन 9th और 10th के लिए 200, 11th 12th के लिए 300, देन कंप्यूटर के लिए अलग अलग फीस है। तो उसमें 3rd क्लास के आगे 100 रुपीज है, 11th और 12th को 150 रुपीज है। देन विद्यालय विकास निधि, जैसे डेवलपमेंट फी रहती है तो प्राइवेट स्कूल में तो 10,000, 15,000, 25,000 तक रहती है, बट यहाँ पे सिर्फ 500 रुपये है। देन किन बच्चों को फी में रिलैक्सेशन मिलेगा उन्होंने वो भी दिया है। जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनको ट्यूशन फी नहीं है, वीवीएन नहीं है, तो वीवीएन मतलब वो डेवलपमेंट फी हमने देखी थी 500 रुपये। SC ST कैटेगरी पे भी वो एग्जम्प्ट है, अब वीवीएन भरना होगा, नो एग्जम्पशन मतलब वो 500 रुपये भरना होगा। देन जो केवीएस के एम्प्लॉई है उनके लिए भी ट्यूशन फी एग्जम्प्टेड है, बट वो 500 रुपये का वीवीएन फी भरना होगा। तो सो ऐसे पूरा डिटेल चार्ट दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। जब भी नया सर्कुलर आएगा मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसके बारे में भी बताता हूँ। तो जब आपके बच्चे का लॉटरी में नाम आएगा तो आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, उस पर करेक्ट नाम और बर्थ डेट होना जरूरी है। दूसरा है आपका जो एड्रेस प्रूफ है, तो उसका जब RTA में नंबर लगेगा तो वो उसका स्कूल का डिस्टेंस और आपके घर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर, और जब केवी कुछ हमारे सिटी से बाहर है तो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आप जब कैटेगरी में है तो उसके लिए ओपन के लिए तो इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी के लिए OBC के लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कंपलसरी है और SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट। तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे तो बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट या नॉन क्रिमिनल नहीं है तो उसके पेरेंट्स का आप कास्ट सर्टिफिकेट या नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ले जाके आप एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं।
तो उसके लिए लॉटरी के बाद 4 से 5 ही दिन रहते हैं, तो उसके अवधि में हमको वो एडमिशन कंफर्म करवाना रहता है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी टाइम है, आप वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर सकते हैं। और एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड या वोटिंग कार्ड या बैंक का पासबुक आपके पास होगा तो वो भी नहीं है, आप रेंट पे है तो उसका रेंट का एग्रीमेंट वो भी चलेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नए वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और पेरेंट के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।